डीआईवाई से बिल्कुल हटके है, क्योंकि आज के डीआईवाई के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हम किस तरह से पत्तों की मदद से अपने बालों को काला कर सकते हैं। लेकिन पत्तों को यूज करने का जो सही तरीका है, सही ढंग जो है, वो हमें आना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा डीआईवाई बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है, आप यूज करें या फिर आपके बच्चे यूज करें, उनके लिए भी और आपके लिए भी बहुत हेल्दी है। आप इस डीआईवाई के बाद आप बाहर का कोई भी बालों के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इस डीआईवाई की मदद से आपका एक एक बाल जो है वो काला होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे बता रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है रेमेडी 3 to 6 months तक यूज करनी है, तो 3 to 6 months तक इस रेमेडी का इस्तेमाल आपने रेगुलर करना है, ताकि आपके बाल हेल्दी भी हो सके और जड़ों से काले भी हो सके। पत्तों से मेहंदी कैसे बनानी है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज की रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लोहे की कड़ाही ली है। लोहे का वो बर्तन थोड़ा छोटा था और अच्छी तरह से रेमेडी बनती नहीं थी, तो मैंने लोहे की जो कड़ाही है वो ली है। तो ये लोहे की कड़ाही मैंने ली है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच आंवले का पाउडर। 1 चम्मच आंवले का पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है। और मेरे सभी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मैं मेहंदी कौन सी यूज करती हूँ। दोस्तों, ये मेहंदी मैं यूज करती हूँ, आप देख रहे हो ये पाउडर। एक पूरा थैला है मेरे पास इस हीना मेहंदी का, ये वाला मैं यूज करती हूँ, क्योंकि ये बालों में ना लाल रंग बहुत कम लेकर आता है। तो ये MDH का MDH का मसाला है नहीं, ये MDH की मेहंदी है, जिसका मैं 1 चम्मच जो है वो भर के इसके अंदर डालने वाली हूँ। आप देख सकते हैं 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है ये। और साथ में ये बहुत ही स्पेशल चीज जो मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ वो है दोस्तों बेरी के पत्ते। आपने शायद इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। बेरी के पत्तों का पाउडर मैंने तैयार किया है, उसको मैंने बहुत दिन लग गए हैं बेरी के पत्तों को सुखाने में, फिर उनको पाउडर बनाने में। तो 1 चम्मच बेरी के पत्तों का पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और बेरी के पत्ते बालों को नरेश करने में, कंडीशन करने में बहुत हेल्प करते हैं। अब हम करेंगे गैस को ऑन और इसको धीमी आंच पे हमने इसको पकाना है। तो धीमी आंच पे मैं तीनों चीजों को अच्छी तरह से पकाऊंगी। और याद रखिएगा, आपने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से रेमेडी तैयार करनी है। तो ये इसके अंदर है बेरी के पत्तों का पाउडर है, हीना मेहंदी है और आंवले का पाउडर है। तीनों को सेम क्वांटिटी के अंदर मैंने डाल देना है। अगर आपके बालों की लेंथ काफी ज्यादा लंबी है तो इस क्वांटिटी को आपने डबल भी कर लेना है। तो अच्छी तरह से आपने इन तीनों चीजों को गर्म होने देना है, अच्छी तरह से पकाएं, ताकि ये पाउडर जो है वो काले रंग में कन्वर्ट हो जाए और जो हमारी हीना मेहंदी है वो लाल रंग ना छोड़े। और वैसे भी जो ये वाली हीना मेहंदी मैं यूज करती हूँ, ये बालों को लाल रंग नहीं देती है, अगर देती भी है तो बहुत कम देती है। और जैसे हम अगर हम इस तरीके से इसको बनाते हैं तो ये हमारे बालों को काला करती है। तो हमने इस तरह से मेहंदी को सबसे पहले पका लेना है। दोस्तों, हमने गैस को बंद कर देना है और इसे आपने अच्छी तरह से ब्लैक बना लेना है। और ये पूरी तरह से काला हो चुका है ये पाउडर। अब मैं इस पाउडर के अंदर मिलाऊंगी पानी। तो दोस्तों, ये रेमेडी बनके तैयार हो गई है। आपने इसे पूरी रात इसी तरह से ढक के रखना है, पूरी तरह से इसे ढक कर रखिए। सुबह इसका इस्तेमाल कीजिएगा, आपके बाल पूरी तरह से वॉश हुए होने चाहिए, पूरी तरह से बालों में शैम्पू हुआ होना चाहिए और ड्राई बालों में आपने इसका इस्तेमाल करना है और 2 घंटे तक लगा के रखना है। फिर बालों को वॉश कर लीजिएगा, शैम्पू कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो सबसे बेस्ट है नेक्स्ट डे अगर शैम्पू करते हैं तो बालों में बहुत बढ़िया कलर आता है। तो दोस्तों, बेस्ट है अगर आप इस तरीके से हीना मेहंदी को तैयार करेंगे, क्योंकि बेरी के पत्ते और हीना मेहंदी बहुत बढ़िया होते हैं और आयरन के अंदर मिलकर ये बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं बालों के लिए। बालों की जड़ों को मजबूत करने में भी ये रेमेडी बहुत बढ़िया है। तो ट्राई करके जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मेहंदी को टीनेजर भी यूज कर सकते हैं। अगर मेहंदी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसके रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो
एवरीवन, आई होप आज का डीआईवाई भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर ये डीआईवाई पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट डीआईवाई आप लोगों के लिए बहुत हेल्दी हो सके और फटाफट से आपके फोन के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड गाइज, एक चीज और कि आप मेरे प्रोडक्ट्स को या मेरे डीआईवाई को देखकर ही स्किप मत कर दीजिए कि हाँ यार डीआईवाई बहुत अच्छा था, इट्स ओके, करूंगी, आज करूंगी, कल करूंगी, यार आज मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो प्लीज इन चीजों को स्किप कर दें। जैसे बता रही हूँ, नेचुरल तरीके से ही मेहंदी डीआईवाई बनाकर अप्लाई कीजिए। आप अपने बालों को अगर प्यार करते हैं तो नेचुरल तरीके से उन्हें स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। तो मिलती हूँ नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।